साउंड रो जाओ थोड़ा सा। बड़े बड़े वादे करते किए थे उस सरकार के खिलाफ, आज अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के भीतर चल रहा है और मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा भारत, यदि कोई भारत के किसान, भारत के जो भविष्य है, भारत का जो अर्थशास्त्र है उसका कोई धुरी है तो भारत का जो किसान है वो धुरी है। और आप सब यहाँ इकट्ठा होकर के आपके शाम को आपके नेताओं से बात हुई थी, एक अच्छा और बेहतर एक पार्लियामेंट भीतर है और एक संसद जो है वो सड़क पर आज किसानों की लगी हुई है। और आपने यहाँ अविश्वास प्रस्ताव रखने का जो फैसला किया है वो इस देश का जो MSP का पाखंड है, मृग मरीच का है। आप गांव में जानते हो कि गर्मी पड़ती है तो लोग लू पानी जैसा दिखता है और उस लू को देख करके जो हिरण है वो दौड़ दौड़ करके हाँक करके जान लगा देते, जान लगा देता। यही है MSP। ये MSP जुमला नहीं, भारत के किसान के साथ उसके सब तरह की दिक्कतों का एक बड़ा भारी धोखा अनाउंसमेंट घोषणा। सिर्फ PDS के लिए यदि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए अनाज की जरूरत न होती, सिर्फ थोड़ा सा लगभग 10 से लेकर 11 या 12 फीसदी किसान की खरीद होती है और जो दाम पिछले MSP में था, मैं देश भर में घूमा हूं, आपके किसान नेताओं बहुत बताएंगे, चारों तरफ चाहे मक्का हो, चाहे धान हो, मूंग हो, हेलो, चाहे धान हो, गेहूं हो, एक तरह से ठीक है गुरुजी, ठीक है 1000, 2000, 500, 700 यहाँ किसानों का बहुत बड़ा वो चल रहा है सम्मेलन। कोई तंत्र नहीं, जी 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 जी, खरीद का कोई हथियार नहीं, चार से तादाद है और यहाँ से ऐसी गप लगाई जाती है। इस समय सर यादव और ऐसा धरती का सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है। हाँ। कहा जाता है चुनाव में सुनाई स्वामीनाथन कमेटी डेढ़ गुना था, अब जा रहे हैं, यानी दरवाजा खुला रखिए, अब जा रहे हैं तो अब जो है वो यहाँ घोषणा किया जी, 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 जी। ये घोषणा के खिलाफ ही ये बगावत है। ठीक है सर, ठीक है, अभी ये राजू सेठी जीत के आ रहे, मैं मानता हूं कि इसी तरह का संघर्ष किसान भाइयों हर तरह के बंटवारे को निकालिए, इंसान बन के किसान बन के खड़े हो जाइए। इस धरती में भारत सरकार का इस धरती में कोई आपकी आवाज को रोक नहीं सकता, आपकी आवाज को अनसुना नहीं सकता। जरूरत है कि हम अपने ये जो बीमारी भारत में है आपके आंदोलन में बराबर हिस्सा लेने के बाद मैं महसूस करता हूं कि हम रोज के समय धर्म और जात में जो बढ़ते हैं, एक बार भारत के किसान के लिए ये जो हाथ में वोट है, ये जो बटन है, ये बटन ऐसा दबाइए कि जो आदमी वादा करे और झूठ बोले उसे पूरी गंगा में भाग करके समुद्र तक पहुंचा, ऐसा इंतजाम करने का काम करिए। एक ही रास्ता है, आने वाला 19 का चुनाव है, सारी पार्टियों के लोगों को गोलबंद किया जा रहा है, आपके किसानों के लिए जब BM सिंह जी और आपके बालू सेठी और आपके योगेंद्र जी सब लोगों ने जो बुलाया तो सब पार्टी के लोग थे, सबने एक बिल लाने का काम किया, वो बिल सिर्फ यानी आपके
हक में कल माफ करो। आज स्वामीनाथन कमेटी और डेढ़ गुना दाम दो। वो बिल के लिए प्राइवेट बिल है, राजू सेठी ने लाया है। सब सांसदों से हमारी बात हो रही है। जीते या हारे लोकतंत्र में मुद्दा उठा के जो लोग लड़ते हैं वो आजादी लाते हैं, जो लोग मुद्दा उठा के लड़ते हैं वो संविधान आपके हाथ में देते हैं, जो लोग लड़ते हैं वो आपको हक और हकूक हक में देते हैं। इसलिए ये आपके हाथ में जो एलिटे फ्रेंचाइज है, ये वोट है, इसे ठीक से इस्तेमाल करना। आपके बीच लाया हूं यही कहने, आपकी लड़ाई आर पार तब होगी। इनको हटाओ और यदि हम लोग भी जो कहे भी हम ना हटाए तो जैसा उनको झाड़ू लगा रहे हमको भी झाड़ू देने का काम करो। जो लोग वचन तोड़ रहे उन्हें लोकतंत्र में आपके हाथ में संविधान ने हक दिया है, जरूर वो देने मिलता है। लेकिन वो बड़ा हथियार है, वो भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। और आप सबसे एक ही कहना मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं, मैं ये MSP दुनिया में धरती में सबसे बड़ा झूठ है। और यदि मेरी बात से सहमत है तो आप दोनों हाथ उठा के बताइए कि मैं बात सच कह रहा हूं। ये है हकीकत। इस हकीकत को जान करके हमारे नेता थे चौधरी चरण सिंह, वो बराबर कहते थे कि खेत हरा तो बाजार हरा, और बाजार हरा तो उद्योग धंधा। हिंदुस्तान का कोई भी उद्योग धंधा व्यापार बगैर किसान के चल नहीं सकता। इसलिए पहली जरूरत है कि भारत के किसान को मजबूत करो, ताकतवर बनाओ, और आने वाला भारत मजबूत करने का काम इसी के जरिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने हमको बुलाया। इसलिए सभी किसान नेताओं का सबका आभार मानते हैं, और सबसे ज्यादा आप सबको जो आ है आपका अभिनंदन करते हैं। और आप सबसे मेरी विनती है कि यहाँ से उठते समय हर आदमी मन से जाए इस सरकार से बड़ी झूठी सरकार, इससे ज्यादा संविधान को तबाह करने सरकार, चारों तरफ मॉब लिंचिंग चल रहा है, चारों तरफ भीड़ लोगों को मार रही है। संविधान हमारा किनारे हो गया है। इतनी कुर्बानी के बाद जो संविधान में आए उस संविधान के दायरे के बाहर सरकार काम कर रही है। इसलिए ये काम भी यहाँ से उठा के जाओगे कि अपना हक तो लेना ही है, लेकिन भारत के संविधान में जो इतनी कुर्बानी के बाद आपके हाथ में आया उसको बचाने का काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय मजदूर।